दोस्तों, हम आलू की कई तरह की रेसिपियाँ बनाते हैं, लेकिन आज हम अलग तरीके से बनाने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे आलू कतले की बहुत ही टेस्टी रेसिपी। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने आधा किलो आलू को अच्छे से धो करके गोल गोल पीसेस में कट कर लिया है। ज़्यादा मोटे नहीं है ना, ज़्यादा पतले नहीं है, सेम इसी पीसेस में आप भी कट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने गैस पर पहले से कढ़ाई चढ़ा दी थी, उसको अच्छे से गर्म कर लिया है। उसमें 2 टेबल स्पून से 3 टेबल स्पून तेल डाल लेना है। अब इसमें हम 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे। जीरा को अच्छे से चटक जाने देते हैं। लीजिए, जीरा भी अच्छे से चटक चुके हैं। तो अब हम इसमें एक बड़े साइज के प्याज को मैंने स्लाइसेस में काट के रखी थी, उसी को डाल लेंगे। साथ में 3 हरी मिर्ची को लंबे लंबे पीसेस में काट के रखी थी, उसी को डाल लेना है। अब हम इनको चलाते हुए नरम होने तक भून लेंगे। नरम होने से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। ज़्यादा नहीं भूनना है, तो ये हल्का सा नरम हो जाए उतना ही भून लेंगे। और यह नरम हो चुके हैं। प्याज को हमें इतना ही भूनना है। आलू के साथ में हम इसे और भूनेंगे, तो हमें इतना ही भून करके तैयार कर लेना है। अब चलिए, इसी कंडीशन में मैं इसमें आलू को डाल लेती हूँ। आलू को हमें बाकी के साथ में अच्छे से मिक्स करते हुए चला लेना है। इसको हमें ढक करके पकाना है। ढक करके पकाने से अच्छे से पक जाती है। तो चलिए, मैं इसे कुछ समय के लिए ढक करके छोड़ देती हूँ। लो फ्लेम पर पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब चलिए इसे खोल करके देख लेते हैं। तो इसे ही हमें बीच बीच में चला चला करके इसको अच्छे से पकने देना है। अच्छे से जब पक जाएगी तो हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इस प्रकार के आलू की कतलियाँ बहुत ही टेस्टी लगती हैं, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। सिंपल से आलू की कतलियाँ बनाते हैं तो नॉर्मल ही लगते हैं, लेकिन आप इस प्रकार से बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और इसको बार बार आप बनाना चाहेंगे। अब चलिए, मैं इसमें स्वाद अनुसार से नमक डाल लेती हूँ और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल लेना है। 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल लेना है। इसमें ज़्यादा मसाले बिल्कुल भी नहीं लगते हैं, तो आप थोड़ा ही मसाले डाल दीजिए। इसको अब चलाते हुए हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस प्रकार के आलू की कतलियाँ थोड़े ही मसालों से बन जाते हैं और थोड़े ही मसाले में कई गुना टेस्टी बन करके तैयार हो जाते हैं, तो आप इसे ज़रूर बनाइए। इसको पकाते समय फ्लेम को एकदम मीडियम पर रखेंगे। मीडियम पर ही अच्छे से पकते हैं। आलू की कतलियाँ जो है 80% पक चुकी है, तो इसी समय मैं इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल ले रही हूँ और साथ में 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची। अब मैं इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची डाल रही हूँ, या फिर आप चिली फ्लेक्स ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून डाली है। मसाले बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना है। इन सभी को मिक्स करते हुए हम चलाते जाएंगे। आलू की कतलियों को बहुत ही टेस्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक नया ट्रिक से बनाई हुई से, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। तो मैं यहाँ पर 1 टीस्पून नींबू का रस ले ली हूँ। अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तो आप अमचूर पाउडर ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने टमाटो को बड़े बड़े पीसेस में काट के रखी थी, उसी को डाल ली हूँ। अब फिर से सभी को मसालों के साथ में अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। टमाटर को बिल्कुल भी दबाना नहीं है, ऐसे ही इसको पकने देना है। तो कुछ समय के लिए आप इसे ढक भी सकते हैं या फिर ऐसे ही पका सकते हैं। तो मैं कुछ समय के लिए ढक दी हूँ और पकते हुए 1-2 मिनट हो चुके हैं। तो फिर से मैंने इसको खोल करके चला ली है और देखिए, हमारी सब्ज़ी बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। मैं इसमें अब थोड़ा सा धनिया डाल देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर कटा हुआ हरा धनिया डाल लिया है। अब इसको भी हम अच्छे से मिला करके चलाते हुए 2 मिनट के लिए बस पका लेंगे। 2 मिनट बाद धनिया भी अच्छे से पक जाएंगे और इसका टेस्ट भी आलू में आने लग जाएगी। तो इसे हमें 2 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना है। अब चलिए, इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देते हैं। 2 मिनट में एकदम अच्छे से पक करके तैयार हो जाएंगी। इस समय में आलू की कतलियाँ को ढकना बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे ही 2 मिनट में पक जाएंगे। और पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, आलू हमारे रेडी है। तो मैं इसे सर्व करके दिखा देती हूँ कितनी मज़ेदार और टेस्टी बन करके तैयार है। आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं या रोटी चावल किसी भी साथ खा सकते हैं, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी। दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और गर्मा गर्म आलू की कतलियाँ बना करके एंजॉय करिए।